अगला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे है, आपको दिखेगा, वर्तमान हिंदी का खाड़ी बोली, सॉरी खाड़ी मैंने बोल दिया, खड़ी बोली, ठीक है, नाम किस कारण पड़ा? ऑप्शन है इसमें, देखिए इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, हम खड़ी बोली की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है। अब देखिए, जो खड़े खड़े सीखा जा सकता है तो बहुत अजीब सी बात है, ठीक है, ये तो ऑप्शन ही काट दे हुए, आप लोग देखोगे कोई भी भाषा आप उसको खड़े हुए सीखो, बैठे हुए सीखो, लेटे हुए सीखो, सुन के सीखो, कैसे भी सीख सकते हो यार, क्यों खड़े खड़े खड़ी बोली को सीखोगे, अब मतलब बैठ के सीखो तो बैठी बोली हो जाएगी, वो तो ये नहीं हो सकता। इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, क्यों, इसमें गाने नहीं गाते, म्यूजिक नहीं है, क्या नहीं, सब कुछ है इसमें, तो कर्कश वाली बात नहीं है, ख़त्म करो उसको भी। इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसमें एक थोड़ी सी बात तो है कि खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, लेकिन हम जहाँ पर जोड़ देंगे ना अधिक, हम उस शब्द को नहीं ले सकते, ठीक है, अधिक, क्योंकि अधिक में क्योंकि आप हर बात खड़ी मात्रा में कहना चाह रहे हो, खड़ी बात में कहना चाह रहे हो, तो संभव नहीं है, ठीक। अब जो शब्द जैसे लिखे जाते हैं वो तो वैसे ही लिखे जाएंगे ना, अब उसको जो मात्रा है, जहाँ पर मात्रा मान लीजिए छोटी आनी चाहिए, तो वहाँ पर आप कैसे बड़ी मात्रा लगा दोगे, तो उस प्रकार की बात है। अब इसमें क्या है, इसमें खड़ी खोटी कहने की क्षमता अधिक है, और ये सही बात है, आपने कभी देखा हो ना गांव देहात में, मिनट से पहले मुंह पर जो मर्जी बोल दे, फिर जो होता है देखा जाएगा, तो खड़ी खोटी कहने की ज्यादा क्षमता है इसमें, तो इसके अनुसार जो आपका ऑप्शन हो गया वो हो गया वन, वन इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, खड़ी बोली, जो खड़ी बोली है आपकी उसमें खरी खोटी कहने की ज्यादा क्षमता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्प में से सटीक शब्द का चयन कीजिए, सटीक शब्द की यहां बात कर रहे हैं, ठीक है, सटीक शब्द, हमें सटीक शब्द निकालना है किसके, उसमें से देखिए, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। अब ये शब्द हो गया, इसमें देखिए पहला ऑप्शन आपके लिए क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया इसमें ज्ञानवान, ठीक है, अब देखिए ज्ञानवान का अर्थ क्या होगा समझ लेते हैं इसको, ज्ञानवान, यहां पर इसको दो पार्ट में पार्ट कर देखते हैं, एक हो गया ज्ञान, ठीक है, ज्ञान का मतलब क्या है, आपको नॉलेज है, आप जानते हो बहुत चीज़ों को, ठीक है, ज्ञानवान यानी कि एक इंसान जो जान रहा है काफ़ी चीज़ों को, उसको बहुत सी चीज़ों की नॉलेज है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की हम बात कर सकते हैं। उसके बाद एक वर्ड आया इसमें सर्वज्ञ, अब ये जो शब्द है देखिए सर्वज्ञ क्या है कि आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा नॉलेज है, अब इस शब्द में और इस शब्द में अंतर क्या है, ज्ञानवान मतलब एक व्यक्ति है जिसको थोड़े बहुत कोई टॉपिक है उसके ऊपर उसको ज्ञान है, नॉलेज है, मान लीजिए हम हिंदी की बात करें, हिंदी के ऊपर उसको नॉलेज है, फिर इंग्लिश के ऊपर उसको नॉलेज है, तो ये हो गया आपका क्या, ज्ञानवान। अब सर्वज्ञ की बात करें तो सर्वज्ञ उसको हम ओवरऑल नॉलेज कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक इंसान है वो कई चीज़ें कर रहा है, ठीक है, क्रिकेट भी खेल रहा है, क्रिकेट के बारे में उसको पता है, ठीक, चेस भी खेल रहा है, चेस के बारे में उसको पता है, पढ़ भी रहा है, पढ़ा भी रहा है, ठीक है, और भी कई चीज़ें कर रहा है, तो क्या है वो सर्वज्ञ ज्ञान, बहुत अच्छी नॉलेज उसको, यानी वो बहुत कुछ चीज़ों के बारे में जानता है, एक चीज़ को जानना और सर्वज्ञ बहुत सी चीज़ों को जानना अलग अलग बातें होगी दोनों। उसके बाद आता है सर्वत्र, अब जो ये चीज़ है इसमें क्या है कि देखिए ये पूर्ण रूप से बात होती है कि आप पूर्ण हो, अब किसी भी चीज़ में पूर्ण होना क्या संभव हो सकता है, अब मैं बोलूँ कि देखिए ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ आपको, नहीं नहीं कुछ चीज़ें मेरे को पता होंगी तो आपको पता नहीं होंगी, आपको पता होंगी तो मेरे को पता नहीं होंगी, अगर मैं बोलूँ मैं सर्वत्र हूँ इसमें तो ये गलत बात होगी कि आप सर्वत्र कैसे हो सकते हो, ठीक। उसके बाद आता है बुद्धिमान, अब जो वर्ड है बुद्धिमान, अब ये शब्द के लिए हम प्रॉपर ज्ञान की बात, इसको हम कैसे कर सकते हैं, सब कुछ जानता है बुद्धिमान, किसी भी फील्ड में हो सकता है बुद्धिमान, ठीक है, आपने किसी छोटी चीज को हल कर दिया आप बुद्धिमान, अब बुद्धिमान को हम एजुकेशन में जोड़ लीजिए, एजुकेशन के बाहर देख लीजिए, जो इंसान समस्या का हल निकालेगा वो बुद्धिमान कहलाएगा, समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब यहां पर हम समस्या कह दिए कि सब कुछ जानने वाले को समस्या कहते हैं, नहीं, अब भाई जिस आदमी ने कभी पढ़ाई लिखाई ना की हो तो पढ़ाई लिखाई जानता नहीं हो, लेकिन वो बुद्धिमान हो सकता है और बुद्धिमानी से वो कई समस्याओं के हल निकाल सकता है, ठीक है, हालांकि हम उनको अनपढ़ है तो अनपढ़ ही कहेंगे उसको हम, अब अनपढ़ इंसान तो नहीं सब कुछ जानता होगा, ठीक, तो इसके अनुसार जो आपका सही आंसर हो गया वो हो गया सर्वज्ञ, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए वो आपकी स्क्रीन पे है। नीचे दिए गए वर्ण विच्छेद के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से चुनिए। सही शब्द क्या है? देखिए पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अ जमा र और रा में से हल निकल रहा है, फिर था, ठीक था में भी ये निकल रहा है हलन, ई क प्लस आ, ये शब्द है। अब इसके लिए हमें सही शब्द चुनना है। अब एक शब्द है आर्थिक, ठीक है आर्थिक। अब जो आर्थिक है उसको हम शब्द मानते हैं आर्थिक। हमने कभी नहीं सुना भी आर्थिक क्या है, आर्थिक हम खुद भी नहीं जानते, ठीक है। एक शब्द है आर्थिक, इस शब्द को हम जानते हैं कि आर्थिक हम किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में शब्द आता है आर्थिक और इसमें हलंत वो गिरा देते हैं नीचे एक। अब ये जो इन्होंने गिरा दिया यहाँ पर, ठीक, इस शब्द में उस शब्द में अंतर हो गया। क्या हमने कभी फाइनेंस में किसी भी चीज़ में हम देखते तो ऐसा शब्द कभी लिखा हुआ देखा है? नहीं। और उसके बाद में हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये देखिए। तो हमने देखा, हम कुछ जानते हैं भाई ये तो मात्रा यहाँ पर आती नहीं, छोटी की मात्रा आएगी। तो हमारे अकॉर्डिंग अभी इसके अकॉर्डिंग जो हमें शब्द यहाँ दिए गए इनको अगर मिलाकर के देखें आर्थिक, तो हमें आर्थिक शब्द हमारा ये बनता है, ये हमारा सही शब्द होगा आर्थिक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द जमा अर्थ संधि से कौन सा शब्द बना है। तो यहां पे किस बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, शब्द जमा अर्थ, ठीक है, इसकी ये बात कर रहे हैं। अब इससे कौन सा शब्द बना है? देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया आपको, शब्दार्थ, शब्द अर्थ, शब्दा अर्थ, शब्द अर्थ, ठीक है। थोड़ा सा हल्का चेंज किया हुआ है, ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देखिए स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं। अगर हम स्वर संधि की बात करें यहाँ पर, तो स्वर संधि को हमने पांच भागों में बांटा हुआ अलग अलग, ठीक है, एक दो तीन सॉरी चार पांच। तो ये पांच प्रकार में हम स्वर संधि को बांटते हैं। तो यह दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है एक प्रकार से आपके, ठीक। अब मैं आपको वो सब नहीं बताऊंगा कि पांच भागों में कैसे बांटते हैं, ये सब बहुत थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो इसके लिए हमारा जो सही शब्द बनेगा, अगर हम शब्दार्थ को जोड़कर देखेंगे तो हमारा सही शब्द क्या बनेगा, शब्द अर्थ, शब्दार्थ, ये हमारा सही शब्द बनेगा। यानी कि जो पहले वाला ऑप्शन दिया गया वो सही है, क्योंकि उसके बाद में देखिए एक में क्या है आकर डंडा कम है, लेकिन वो अर्थ करके लिख दिया, तो शब्दार्थ ऐसे नहीं लिखते। हम खुद भी जानते हैं कि शब्दार्थ हम कैसे लिखते हैं। तो ये जो शब्द लिखा है मैंने ये सही है शब्दार्थ के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। अगला क्वेश्चन है यश का सही विलोम शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। यश की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यश जो है, यश का हम समझ लीजिए यश कहते किसको है, यश के जो अर्थ है उनको देख लेते हैं। यश में आता है क्या, आपका प्रशंसा, बड़ाई, कीर्ति, नाम। अब यह नाम को होनी किसी का नाम वाली बात नहीं, किसी का नाम होना मतलब किसी का नाम, कहते ना कि उस आदमी का बहुत नाम है, ये उस प्रकार की अवधारणा यहाँ पर, ठीक है। बहुत कीर्तिमान आदमी है, उस प्रकार की अवधारणा, मतलब इस आदमी की बड़ाई जितनी की जाए उतनी कम है, तो इस प्रकार की अवधारणा। प्रशंसा, ये व्यक्ति प्रशंसा के काबिल है, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर आती हैं, ठीक। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है इसमें कुयश। अब कुयश जो है, ठीक, कुयश, अब इसको अगर हम देखें तो क्या बनेगा इसका, कुयश का मतलब देखिए यश जो है इसके आगे कु लगा दीजिए, ठीक, उसको अपोजिट कर दीजिए आप, यानी कि बदनामी, कुविख्यात, कलंक, यानी कि जिससे आपका बुरा, किसी का बुरा है, मतलब किसी के लिए वो सही नहीं बैठ रहा, तो इस प्रकार से है कुयश। अगला इसमें देखते लिखा है सुयश। सु, आपने सुना होगा ना, जैसे होते हैं भाई
सुकुमार। सुकुमार हम कैसे बोलते हैं? सुकुमार शब्द बोलते हैं कि किसी की हम बड़ाई करने के लिए, मतलब कोई इंसान है कुमारा, बोलते हैं ना कि भाई सुकुमार चिरंजीवी। तो ये क्या है? सुकुमार जो बड़ाई करने के लिए शब्द बना हुआ है, ठीक है, कि इसमें आप शानदार बहुत अच्छी बात उसके लिए बोल रहे हैं कि सुकुमार राहुल पधार रहे हैं, ऐसा बोलते थे ना कि भाई राजा महाराजा जमाने में आपने सुना होगा शब्द कि सावधान सुकुमार श्री श्री अकबर पधार रहे हैं, ठीक है, कि जमाने में अकबर जवान भी होंगे भाई, जब जवान थे तो ऐसे बोलते होंगे उनके लिए। उसके बाद आता है यशहीन। ये शब्द इसमें लिखा है यशहीन। अब यश में यहां लिख करके उसमें हीन जोड़ दूं। अब देखिए जो हीन है, हीन जो शब्द है इसको अलग कर लीजिए थोड़ा सा, और हीन शब्द को समझिए। हीन क्या करता है? हीन भावना, अरे घृणा से भरी हुई भावना, उस प्रकार की। मतलब ये वाली जो आपकी चीज है, ये इसका पूरा ही अपोजिट ले जाइए आप इसमें, हीन में। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा इसमें, कि यशहीन, जिसका जिसके पास कोई यश ही नहीं है, जो यश से अलग है, यानी कि जिसकी प्रशंसा नहीं हो रही, जिसकी कोई बड़ाई नहीं हो सकती, जो कीर्तिमान नहीं है, जिसका कोई कहीं पे नाम ही नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका यशहीन व्यक्ति। उसके बाद आएगा अपयश। जो अपयश है वो शब्द इसमें सही बैठता है, ठीक, यश का विलोम हम कह सकते हैं अपयश हो गया, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? 4, अपयश। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे छांटिए। यहाँ पे क्या है? पर्यायवाची शब्द छांटना है। अब जो ऑप्शन में दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं देखिए, भुजंग, अगला है विष धर, उसके बाद अगला है अही, ठीक है। ये जो शब्द हैं इसमें मैं दो और जोड़ देता हूं कि नाग या फणी। ये जो शब्द हैं ये सारे ही शब्द किसके लिए यूज किए जाते हैं? सांप के लिए, ठीक है, सांप के लिए सारे शब्द यूज किए जाते हैं। देखिए भुजंग का मतलब क्या है? वो जो लंबा होता सांप, अब ऐसा तो नहीं उसकी कई भुजाएं निकली पड़ी हैं, वो पंच वाला नहीं, उसको भूल जाइए। सिंपल सांप क्यों सोचिए कि एक मान लीजिए ऐसे तो करके कि ये सांप बना दिया मैंने, सांप है समझ लिया, अब रस्सी वस्सी वो नहीं, पतला बहुत है वो अलग बात है, लेकिन सांप एक बात समझ लीजिए, ठीक है। विषधर, विष को धारण करता है सांप, क्योंकि सांप बिना विष का तो वही बहुत ही कम देखता है। अही, ठीक है, ये भी सांप का ही नाम है। नाग, मणि, फणी, ये सब सांप के नाम है। तो इसमें बचा कौन सा आगे? इससे बचा आगे मकर, और मकर इनमें से किसी का भी नहीं है, तो हमारे इसमें क्या हो गया आंसर? मकर, ठीक। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला का जो क्वेश्चन है उसमें आगमन, ठीक है, शब्द दिया गया हमें आगमन। आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? किस चीज की बात कर रहे हैं? उपसर्ग पूछ रहे हैं हमसे, उपसर्ग निकालना है। इसमें नीचे दिए गए विकल्पों से चयन कीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया गया पहले में अ, दूसरे में दिया गया अब, आग, या फिर अ। देखिए उपसर्ग क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए कि उपसर्ग क्या होगा। वह अवयव जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दें, ठीक है, मतलब कोई भी चीज होगी उसके शब्द का, हमने मान लीजिए लिखा है यहां पर अंकित लिखा, ठीक है, तो शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। अब यहां पर जो है देखिए, एक शब्द इसको हम दो पार्ट में देखो, लिखा है क्या? गमन, ठीक, गमन आप जानते हैं शब्द है। अब शब्द के आगे हमने क्या लगा दिया? अ, उपसर्ग लगा दिया, ठीक, तो इसका मतलब क्या बन गया? आगमन, ठीक है। और इसमें आपका जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पहले वो दिया गया अ, ठीक। अब मैं इसको गमन के साथ में अगर सोचिए ऐसा लगाता हूं मैं अवगमन, तो शब्द में वो बात नहीं आती, ठीक, तो उपसर्ग नहीं है वो। इस वजह से हमारा जो आंसर 1 हो गया इसमें करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? यहां किसकी बात कर रहा है? द्वंद्व समास की,
ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है ये कह रहे हैं। देखिए समास क्या है, और समास में हम द्वंद्व समास समझते हैं कि कितने प्रकार के, छह प्रकार के होते हैं टोटल। द्वंद्व समास के छह प्रकार है, पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास। ठीक, अगर मैं लिखूं इसको, लिखने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि आप बस सुन लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। द्वंद समास, अव्ययी भाव समास, तत्व पुरुष समास, ठीक है, कर्मधार्य समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये आपके छह प्रकार के समास होते हैं। और आपको ऑप्शन में क्या क्या दिए गए थे, घर बाहर, ठीक है, हरिशंका। अब देखो इसमें शब्द दिया गया ना, हरि, सॉरी, हरि शंकर। अब इस शब्द में कोई आपको दो पार्ट में डिवाइड दिख रहा है, अगर हम शॉर्टकट में समझें कि जिस शब्द को दो चीजों में बांट दिया जाएगा, जैसे कि दो शब्दों में कैसे बांट जाएगा, दिन दिन, जैसे ऑप्शन में दिया गया दिन दिन, इसको हम दो शब्द में बांट दिया, इसको हम करते हैं या फिर एक ऐसे एक ऑप्शन देता हूं आपको, अलग अलग दो शब्दों में बांट दिया। ठीक है, जहां पर, क्योंकि इसमें देखिए यहां पर द्वंद की बात हो रही है, दुई की बात हो रही है, यहां पर दो की बात होगी, यानी कि दो शब्द लिखे हैं एक प्रकार से। ठीक है, और आपके ऑप्शन में क्या दिया गया, हरिशंकर, इसमें दो लिखे ही नहीं है, बाकी सब में दो लिखे हैं, तो ऑप्शन में जो आंसर ये हरिशंकर वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए वह पढ़ता तो पास होता, यहां पे किसकी बात कर रहे हैं कि वह पढ़ता तो पास होता, इस वाक्य में कौन सा काल है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहां बात कर रहे हैं वह पढ़ता तो पास होता, ठीक। ऑप्शन में आपको क्या कह दिया गया, देखिए ऑप्शन में आपके हेतु हेतु मदभूत, ठीक है, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। देखिए अगर हम हेतु हेतु भूत को देखेंगे, हेतु हेतु मदभूत को देखेंगे, तो इसमें एक आप ऐसे कर सकते हैं, मैं इसके आपको कुछ ऑप्शन देता हूं, अगर मैं भूखा होता तो मैंने मिठाई खाई होती, एक उदाहरण के तौर पर। सामान्य भूत में हम क्या देख सकते हैं, मैंने मिठाई खाई, ठीक है, सामान्य बात है कि मैंने मिठाई खाई। दूसरा है पूर्ण भूत, मैंने मिठाई खाई थी, यानी कि पूर्ण कर दिया आपने, कर दिया उसको, ठीक है। अपूर्ण भूत, मैंने मिठाई, या फिर मैं मिठाई खा रहा था, ठीक। इसके बाद आपका पांचवा, अगर मैं देखूं इसमें, जो इसमें ऑप्शन चार दिए जाएंगे, तो पांच और छह में आपको दो बताया था एक्स्ट्रा। आसन्न भूत, यानी कि मैंने मिठाई खाई है, और छठा ऑप्शन आता संदिग्ध भूत, यानी कि मैंने मिठाई खाई होगी, ठीक है। तो यहां पर जो है वह पढ़ता तो पास होता, इस प्रकार की अवधारणा, तो यहाँ पे हेतु की स्थिति दिखाई दे रही है, ठीक। और देखिए हेतु एक ऐसी चीज को समझना तो थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसेस, हेतु भाष को हम अलग ही लैंग्वेज में समझते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको आंसर बताता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग जो हेतु भाष है उसका वो ऑप्शन में जो दिया गया ना, हेतु हेतु मद भूत, ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला ऑप्शन बोला मैंने, अगला ऑप्शन देखते, क्वेश्चन देखते हैं। और अगला ऑप्शन है इसमें, अगला क्वेश्चन है, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है, नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। अब देखिए जो विकल्प आपको दिए गए हैं वो कौन कौन से विकल्प हैं, कर्तव्यवाचक, भाववाचक, कोई नहीं, या फिर कर्मवाचक। अब देखिए जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है, यहाँ प्रधान विषय की बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रधान विषय की बात क्या है, यहाँ पर ये प्रधान विषय कौन है, कर्ता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये कर्ता की जो बात कर रहे हैं, कर्ता क्या कर रहे हैं, कार्य करने की बात कर रहे हैं। अब जो कर्मवाचक है, कर्मवाचक एक अलग चीज हो जाएगी इसमें, कोई नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। भाववाचक, यहाँ भाव की तो बात नहीं हो रही, यहाँ पर क्या बात हो रही है, कर्तावाचक, ठीक है। तो इसमें आपका जो उत्तर आ जाएगा वो हो गया कर्तावाचक, ठीक। जो पहला ऑप्शन आपका है वो इसमें करेक्ट आंसर के तौर पे हो गया, ठीक। अब इसका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, उसको देख लेते हैं एक बार।
उसने टेढ़ी चाल चली, ठीक, उसने टेढ़ी चाल चली। अब यहाँ पे जो बात चल रही है वो टेढ़ी चाल वाली आ रही है, ठीक है। और देखो थोड़ा बहुत अगर लिखने में ध्यान दिया तो मैंने भी टेढ़ी तरीके से लिखा ही है, ठीक। तो अब इसको वो मत सोचता कि टेढ़ी बात चाल चली और टेढ़ी मैंने चीज़ लिखी, वो चीज़ अलग है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा हंसाने के लिए, क्योंकि लेक्चर बोर हो गया था फिर उसके लिए मैंने लिख दिया सर। अब वाक्य में कौन सा कारक है हमें ये पहचानना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। ऑप्शन है पहला कर्ता कारक, दूसरा ऑप्शन है संबंध कारक, तीसरा ऑप्शन है अधिकरण कारक, चौथा ऑप्शन है कर्म कारक। अब देखिए ये संबंध कारक जो है, जहां पर हमें बात मिली देखने को क्या संबंध की, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संबंध कारक मतलब संबंध की बात हो रही है। अब टेढ़ी चाल चली, इसमें कोई संबंध थोड़ी है किसी से भाई। टेढ़ी चाल कोई किसी भी चल सकता है, मैं भी चल दूंगा बैठे बैठे टेढ़ी चाल, ठीक। अब इसमें कैसे आप किसी के संबंध को इंक्लूड कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, नहीं। संबंध की बात, संबंध में भी चलते हैं हालांकि, और संबंध के बाहर भी चलते हैं टेढ़ी चाल, अपनी अपनी मर्जी है सबकी, ठीक। तो अब इसमें क्या अधिकरण कारक, अब अधिकरण क्या है, किस बात की आप अधिकता की बात कर रहे हैं, अधिकता की तो बात ही नहीं भाई, टेढ़ी चाल चल रही नॉर्मल सी बात है, तो अधिकता की कोई बात ही नहीं आ रही कि अधिकरण कारक हो जाए, तो क्या अधिकरण, कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन, कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो मैच ही नहीं खाते, तो उनको फट से काट देना चाहिए और सीधा पेन से काट दिया करो, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भाई ये वाला तो है ही नहीं, हटा दो इसको। उसके बाद कर्म कारक, अब यहाँ क्या टेढ़ी चाल चलने वाली बात कर रहे हैं, उसमें कोई कर्म थोड़ी है, उसमें कोई काम थोड़ी हो रहा है, उसमें कोई काम होता तो हम सोचते कि कुछ काम हो रहा है उसका, ठीक है। और चाल चलने से क्या काम हो रहा है, जो भी उन्होंने चाल चली वो कहते हैं ना किसी के खिलाफ चाल चलना, टेढ़ी चाल तो किसी के खिलाफ भी चल सकते हैं, लेकिन क्या उस चाल को चलने से उसका कोई काम हुआ, बाय डिफॉल्ट हो भी जाए लेकिन बहुत संभावना ना भी हो, ठीक। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि कर्म की बात नहीं होगी। यहाँ एक कर्ता कारक, यानी जो टेढ़ी चाल चलने वाली बात हो रही है, जो चल रहा है वो कर्ता है आपका, ठीक। ये जो इंसान है टेढ़ी चाल चल रहा है, ये कौन है आपका, यहाँ पे कर्ता, और यह कर्ता की हम बात कर रहे हैं, यानी कि यहां जो आपका शब्द आएगा वो आएगा कर्ता कारक, ठीक। क्योंकि हमने जो क्वेश्चन देखा वाक्य में कौन सा कारक है, हमें कारक को पहचानना था, यहां पर हमें ना कर्म को देखना कि कर्म कारक क्या है, अधिकरण हमने सब कारक संबंध कारक भी हमने देख लिया क्या है, यहां जो क्या है कर्ता है, कर्ता है कोई चाल चल रहा टेढ़ी, ठीक है। तो आपका हो गया कर्ता कारक, तो आपका जो 40वें का ऑप्शन वन है वो आंसर हो गया आपका, ठीक। तो हमने यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और हिंदी व्याकरण में देखिए आपको अच्छी तरीके से शब्दों को समझना पड़ेगा, जब आप शब्दों की पकड़ समझ लेंगे तब आप हिंदी व्याकरण को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था वीडियो के कि www.digimentor.com पे आप जा करके पूरी डिटेल वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।